चीफ गेस्ट हमारे एसएमएस कुंडू और नगर ब्लॉक के डॉक्टर प्रेम शर्मा जी, एसडीओ नगर ब्लॉक डॉक्टर नितिका जी और साथ में कुंडू ब्लॉक से आए हुए डॉक्टर नक्शी, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर गोपाल जी। और धन्यवाद करना चाहूँगा कि टेलीफोनिकली पिछले कल जैसे मैसेज किया और सारा अरेंजमेंट हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो एक बार सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देना चाहते हैं नितिका जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि कुल्लू और नगर ब्लॉक के बी कीपर यहाँ पे उपस्थित हैं और मैक्सिमम बहुत सारे जानवर हैं कि आपने अपना आज इस जिस जरिए के थ्रू हम लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे बी कीपिंग की तरफ हम आगे बढ़े, कैसे बी प्रोडक्ट और उसे हम अपना जो हमारी आजीविका है उसको हम ज़्यादा इंक्रीज करें, बढ़ाएँ। और बी कीपिंग सबसे बड़ा उद्देश्य वो भी होता है कि आज मधुमक्खी पालन क्यों ज़्यादा जरूरी है कि एप्पल बेल्ट में सभी जानते हैं कि हमारा जो पॉलिनेशन का जो सेटअप होता है बगीचे में, हम बोलते हैं कि अगर आपने एक बगीचे में 100 पेड़ लगाने हैं तो जी एटलीस्ट 33% आपका पॉलिनेशन का पॉलिनेशन वरायटी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या होता था कि जो पिछले हमारे पॉलिनेशन वरायटियाँ थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि जो हमें रेट नहीं मिलता था। आज फिर हमारे पास काला तिल बहुत अच्छी है, तो बगीचे में जो प्रोडक्शन होती है उसमें पॉलिनेशन का बहुत मेजर रोल रहता है, तो उस रोल को भी पूरा करने के लिए मधुमक्खियाँ जो हमारी एक समझो कि एक जिनके जिन्होंने बगीचे, हम सबके पास बगीचे हैं, तो ये हर एक बगीचे में मधुमक्खियों का होना बहुत ही जरूरी है। जितनी अच्छी पॉलिनेशन होगी उतना अच्छा हमारा प्रोडक्शन जाएगा। आज बी कीपिंग इस दिवस के ऊपर मैं सिर्फ एक गुजारिश से भी करना चाहता हूँ कि आज ये ना समझें कि हम कुछ बताने आए हुए हैं या आप कुछ सुनने आए हुए हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंस रहेंगे मैं आग्रह भी करना चाहूँगा थोड़ी देर बाद कि अभी जो भी अपना जितने बी कीपर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो मोहिला बनगांव से हैं, चाहे केसर जी हैं, चाहे हमारे पूरे चंद्र मोहन जी हैं अपना बुबुआ से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो अपने विचार जरूर आज व्यक्त करें। इसके बाद फिर हम जो हमारी अपैरी है उसमें भी हम चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे किस तरीके का सेटअप है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ध्यान रखने लायक हैं और किन चीज़ों से हम ये देखेंगे कि मधुमक्खियों के बाद बक्सों में जो भी कॉलोनी होती है, हाइट होता है, उसमें बीमारी लगती है, तो उन बीमारियों का क्या निदान होगा, ये हम सारा एक प्रैक्टिकल सेशन बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा सा एक लिटरेचर भी हम लाया हुआ है जो हम आपके पास देंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, जो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच आज डॉक्टर प्रेम शर्मा जी हैं SMS हमारे कुंडू और नगर ब्लॉक के, वो सब को सब कह करके प्रोग्राम का आगे जैसे भी जैसे उसको ज़्यादा संबोधित करेंगे। डॉक्टर प्रेम शर्मा किसी ने करना चाहिए अगर ये पर टेलीफोनिकली मैसेज हुआ दिन में भी कई लोगों का तक पंजार था, तो टेलीफोनिकली डिस्कशन हुआ है बीच में लिमिटेड था सभी ऐसे था यार उसको आ तो फालू पे बना रहे हैं तो अरे दौरा बना रहे हैं, मैं कहा क्यों ना हम लोग अपने ही ब्लॉक में इसको अपने डिपार्टमेंट के अफसर का टीम बनाए, तो लिमिटेड साहब ने निर्देश दिया कि ठीक है आप अपना जहाँ सुनते हो उनके साथ कहना ही होगा, है ना। तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ मोहन पाल भाइयों का, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ जो है माइग्रेशन के बाद अपने किले में पहुँच चुके हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि सब ने अपना माइग्रेशन कर दिया होगा तक को, है ना। तो अब जो है माइग्रेशन के बाद एक आप लोगों को पता है कि इसमें हम लोग आप लोगों को 5,000 रुपये देते हैं एक ट्रिप का, है ना। इसके लिए आप लोग की आप जो है अपना रखें, है ना, साथ में और टाइमली लोग अपने ब्लॉक में अपने एजुडियो को इसको दे दें ताकि वो ऑनलाइन करके दे तक पहुँच सके, ताकि आपको आगे बढ़कर बी के लिए से एक्सीडेंट रिलीज की जा सके, है ना। तो जैसे कि ये पूरे भाई साहब का पटू अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो आप लोगों को शायद मेरे को तो सबको मिल चुका है, किसी की इंस्पेक्शन करने के लिए मैं डॉक्टर साहब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिसके कंसर्न एरिया में अभी तक मेरे पास 25 एप्लीकेशन की ऑनलाइन अप्लाई हो चुकी है, लोग पूरी फॉरवर्ड कर रखी है टेक्निकल अप्रूवल के लिए, है ना। और कुछ लोगों ने अप्रूवल होने के बावजूद जो हमारे को नहीं किए हैं वो हमारे पास स्टिल स्टैंड है अभी तक बी के डी ओ के पास। हाँ जी नहीं नहीं वो है बोलो इसका
बाकी सबका धन्यवाद, बाकी भी जाना ना कहते हुए बस इतने अपने इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस काम के लिए आगे बढ़े और विभाग की भी जितना विभाग शुरू कर रहा है बी कीपर के लिए और जो अनुदान दे रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ है और पूरा अपना इनके लिए भी सुखी बने। और जिस तरह हमने सबका सबके विचार सुने और जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और जिनको हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी हमारा वो सुने और उस पर हमारे को थोड़ी सहायता प्रदान करें जिससे हम इस जो है बी कीपिंग को आगे बढ़ा सकें, ताकि वर्ल्ड में जिस तरह बी कीपिंग बहुत आगे बढ़ गया है, इंडिया अभी उसके लेवल में अभी पीछे है। हम देखते हैं कितनी टेक्निक्स वहाँ आ गई हैं, लोग उसमें कितना आगे बढ़ गए हैं और कितने अपने जोश के साथ उसमें कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी देखना है, हम लोग वैसे तो सिराना में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इतना सिराना में इंडिया में ही सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा है, बाहर तो इटालियन बी का है, लेकिन यहाँ भी जो रुझान है वो मेलिफेरा की ओर सबका जा रहा है, लेकिन सिराना की ओर मैंने देखा है कम आ रहे, क्योंकि हमारे पास भी जो लोग आ रहे हैं वो मेलिफेरा की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये लोग जो है मेलिफेरा इटालियन बी की ओर क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज़ एक पॉइंट आप दे सकते हैं तो मुझे बताइए। बस एक यही कारण है और वो है पर क्वालिटी जो हमारी पीस रहे उसका शायद नहीं कम होता कम टाइम में ज़्यादा करो। नहीं बिल्कुल ठीक बोला आपने, शहद का तो लोगों को है ये, दूसरी चीज लोगों का क्या है इसका, एक तो इसके डिमेरिट्स भी है मेरिट्स भी है। मेरिट्स ये है कि शहद हमें दे रहा है, ये बहुत ज्यादा इसका शहद मिल रहा है और लोगों को मेन क्या है, इसको पालना बहुत ईजी लग रहा है। आप लोग इस वे में मत सोचिए, जहाँ तक सर हमने देखा है लोग ये सोच रहे हैं कि इस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इनसे पूछ लिए। दूसरी चीज़ ये कि आज मैं कर रही हूँ काम तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जैसे आप नए हैं वैसे मैं भी हूँ इस फील्ड में।